हेलो एवरीवन, वी आर इन कोची। लेट्स कंटिन्यू आवर केरला जर्नी। हम पहुंच चुके हैं कोची एयरपोर्ट। वेदर इज गुड, एयरपोर्ट इज वेरी नाइस एंड इट्स इन ट्रेडिशनल लुक। सो लेट्स गो टू कैच अवर कैब। आवर कैब ड्राइवर इज कमिंग, जो कि हमें अगले 8 दिनों तक पूरे केरला की सैर करवाएंगे एज अ कैब ड्राइवर एंड एज अ ट्रेवल गाइड। कैब इज हियर, वी आर ऑन द वे टू आवर होटल, जो कि एयरपोर्ट से अराउंड 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। हमें होटल पहुंचने में अराउंड अबाउट 15 मिनट्स लगे और हम पहुंच चुके हैं सारा होटल एंड अपार्टमेंट्स, जो कि हमने कोची में एक रात के लिए बुक किया है। यहाँ पे इनका जैकफ्रूट के नाम से रेस्टोरेंट एंड कॉफी हाउस भी है। यह है रिसेप्शन एरिया। चेक इन की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद हम रूम की तरफ जा रहे हैं। दिस होटल इज वेरी गुड एंड इट्स वेरी सिंपल एंड डिसेंट। जो रूम हमने बुक किया है वो एक अपार्टमेंट टाइप है, जिसमें लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, 2 रूम्स, किचन एंड 2 सेपरेट वॉशरूम्स है। हम जल्दी से फ्रेश हुए एंड देन ब्रेकफास्ट किया और फिर हम कोची घूमने के लिए निकल गए। सबसे पहले हम पहुंचे वेमनाथ लेक एंड कोची बैक वाटर्स फॉर सिटी टूर, जो कि 1 घंटे की बोट राइड है। वैसे वेमनाथ लेक पे हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, जो कि हम 1 या 2 दिनों में अपलोड करेंगे। Now we are on the way to our next destination, St. Francis CIS Church. It's very old and historical church, जो कि आपको देखते ही पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको वास्को डी गामा की टॉम भी देखने को मिलेगी, जिन्होंने भारत की खोज की थी। Due to COVID, यहाँ पे guidelines भी mention है। Mask is compulsory and limited persons are allowed. कैमराज आर नॉट अलाउड हियर, सो हमने परमिशन लेकर सिर्फ पिक्चर्स ही क्लिक किए। अब हम जा रहे हैं फोर्ट कोची एंड फोर्ट कोची बीच की तरफ। फोर्ट कोची एक सी साइड एरिया है, जहां पे आपको डच, पुर्तगीज एंड ब्रिटिश क्रॉनिकल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। यहां पे अरेबियन सी, वेमनद लेक एंड केरला बैक वाटर्स आपस में मिलते हैं, जिसकी वजह से यहां पे पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है। नाउ वी आर एट फोर्ट कोची बीच। ये जो आप सामने नेट देख रहे हैं, ये चाइनीज फिशिंग नेट है, जो टीक फुट और बैम्बू पोल से बनाई जाती है। चाइनीज फिशिंग नेट को लोकल लैंग्वेज में चीनावला भी कहते हैं। और हम पहुंच चुके हैं फोर्ट कोची बीच पर। हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। लेट्स बिगिन द फन। यहाँ पे बहुत सारे लोग फिशिंग कर रहे थे। यहाँ से हमने बहुत सारी शिप्स निकलती हुई देखी। Thank you.
जैसे ही हम बीच से निकले बारिश शुरू हो गई। The weather is awesome and amazing। हमारे पास टाइम बहुत कम था और हम थके हुए भी थे क्योंकि हम दो रातों से सोए नहीं थे ड्यू टू ट्रैवल। सो वी डिसाइडेड कि हम डिनर करके वापस होटल चलते हैं। यहाँ हमने प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में डिनर किया जहाँ पर हमने सारी साउथ इंडियन डिशेज ट्राई करी। अंधेरा हो चुका है, ड्राइवर ने हमें बताया कि हमें कल सुबह मुनार के लिए जल्दी निकलना है क्योंकि हमें वहां पहुंचने में 5 घंटे लग जाएंगे। सो गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट मुनार वीडियो ब्लॉग में। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन एंड वी आर श्योर यू विल एंजॉय इट। Don't forget to like the video and subscribe our channel and press the bell icon for further notifications.